हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो का टॉपिक है डिलीशन इन अ बाइनरी सर्च ट्री। तो ये हमारी थर्ड वीडियो है इसी टॉपिक की। प्रीवियस वीडियोस में हमने देखा कि जब भी हमें किसी नोड को डिलीट करना है तो सबसे पहले हम उसकी लोकेशन फाइंड आउट करेंगे और उसका पेरेंट फाइंड आउट करेंगे। फिर हम देखेंगे कि क्या उस लोकेशन के एक चाइल्ड है, जीरो चाइल्ड है या दो चाइल्ड है। तो इस वीडियो में हम वो नोड्स डिलीट करेंगे जिन नोड्स के दोनों चाइल्ड हैं। जैसे कि यहाँ पर नोड 33 है, 33 का लेफ्ट चाइल्ड भी है और राइट चाइल्ड भी है। तो दिस इज द केस बी। तो नेम ऑफ द एल्गोरिथम इज केस बी। हमें इंफॉर्मेशन पता है हर नोड की, लेफ्ट चाइल्ड पता है, राइट चाइल्ड पता है, रूट नोड हमें पता है, हमें लोकेशन पता है जिस लोकेशन को हमने डिलीट करना है और हमें उस लोकेशन का पेरेंट पता है। तो ये लोकेशन और पेरेंट हमारे पास कहां से आया था? प्रीवियस वीडियो में हमने देखा, पहले हमने 33 को सर्च किया था, हमने फाइंड एल्गोरिथम को कॉल किया था। फाइंड एल्गोरिथम ने हमें उस नोड को सर्च करके, उस वैल्यू को सर्च करके उसकी लोकेशन रिटर्न करी और उसका पेरेंट रिटर्न करी। फिर हमने केस ए की वीडियो देखी थी जहां पर हमने 0 और 1 चाइल्ड है जिन नोड्स का हमने डिलीट किया था। नाउ दिस इज केस बी। तो जब भी हमें किसी ऐसे नोड को डिलीट करना है जिसके दोनों चाइल्ड हैं, लेफ्ट चाइल्ड भी है, राइट चाइल्ड भी है, तो उस केस में हमें एक नई चीज फाइंड आउट करनी है, दैट इज लेफ्ट सक्सेसर। तो उस केस में हमें फाइंड आउट करना है लेफ्ट सक्सेसर ऑफ द नोड, उस नोड का जिसे हम डिलीट करना चाहते। तो 33 का हमें सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है? लेफ्ट सक्सेसर। अब लेफ्ट सक्सेसर क्या होता है? लेफ्ट सक्सेसर वो नोड है जो इस नोड के राइट चाइल्ड की सबसे लेफ्ट मोस्ट नोड है। लेफ्ट सक्सेसर क्या है? जिस नोड को हमें डिलीट करना है उस नोड का जो राइट चाइल्ड है उसकी सबसे लेफ्ट मोस्ट नोड। अगर यहां पर कुछ और नोड होती, लेट 40 देन 35 एंड सो ऑन, तो यहां पर इस नोड का लेफ्ट सक्सेसर क्या हुआ? दैट इज 35। तो जिस नोड को हमें डिलीट करना है उसके राइट चाइल्ड की सबसे लेफ्ट मोस्ट नोड को हम फाइंड आउट करेंगे। तो स्टेप नंबर 1 में सेट पीटीआर इज इक्वल टू राइट ऑफ लॉक। तो दिस इज अवर लोकेशन। तो ये क्या बन जाएगा? हमारा पीटीआर। पीटीआर में क्या आ जाएगा? राइट ऑफ लॉक। एंड save is equal to log, और log को हम एक नए वेरिएबल में स्टोर कर देंगे, that is save। Repeat while left of ptr is not equal to null। अब left of ptr जब तक null नहीं हो जाता, क्योंकि हमें last node तक जाना है, तो तब तक repeat करें जब तक left of ptr null नहीं है। क्या करें? save में आ जाए ptr और ptr में आ जाए left of ptr। तो सेव में आ जाए हमारे पास पीटीआर, जो पीटीआर था वो सेव बन जाए और जो पीटीआर में आ जाए लेफ्ट ऑफ पीटीआर, तो ये बन जाएगा नया पीटीआर। फिर से ऊपर जाएंगे, क्या लेफ्ट ऑफ पीटीआर नल है? नहीं, लेफ्ट ऑफ पीटीआर है, तो ये हमारा बन जाएगा सेव। सेव में आ जाए पीटीआर और पीटीआर में आ जाए लेफ्ट ऑफ पीटीआर। फिर से ऊपर जाएगा, चेक करेगा क्या लेफ्ट ऑफ पीटीआर नल है? No, अभी भी लेफ्ट चाइल्ड है, तो सेव में आ जाए पीटीआर और पीटीआर में आ जाए लेफ्ट ऑफ पीटीआर, तो ये बन जाएगा हमारा नया पीटीआर। फिर से ऊपर जाएगा, क्या लेफ्ट ऑफ पीटीआर नल है? यस, नाउ लेफ्ट ऑफ पीटीआर इज नल, तो इस लूप से हम बाहर आ जाएंगे, एंड ऑफ लूप। तो सक्सेसर हमारा क्या बन जाएगा? पीटीआर। तो ये हमारा क्या बन जाएगा? दैट इज सक्सेसर। और सेव हमारा क्या बन जाएगा? पेरेंट ऑफ सक्सेसर। दिस इज पी ए आर एस यू सी, दैट इज पेरेंट ऑफ सक्सेसर। तो फर्स्ट स्टेप में क्या हमने फाइंड आउट करा? जिस नोड को हमने डिलीट करना है हमने उसका सक्सेसर फाइंड आउट करा और उस सक्सेसर का पेरेंट फाइंड आउट करा। अब हमें क्या करना है? अब हम इसमें 33 को हमें डिलीट करना है, तो हम कैसे डिलीट करेंगे? हम 33 की जरा लिखेंगे उसका लेफ्ट ऑफ सक्सेसर, दैट इज 35। यहां पर क्या आ जाएगा? 35। अब यहां पे 35 क्यों आ रहा है? अगर हम इसे टेक्निकली देखें तो जो भी इसका राइट चाइल्ड है
उसके लेफ्ट में हमेशा जो वैल्यूज है वो सारी इससे छोटी होंगी। अगर हम इन सारी वैल्यूज को ऑब्जर्व करें तो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है, दैट इज 35, क्योंकि 50 से छोटी वैल्यू आएगी, 44 से छोटी वैल्यू आएगी, 40 से छोटी वैल्यू आएगी। सो दिस इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू। तो अगर मैं 35 को उठा के यहां रख दूं तो इस बाइनरी ट्री पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर यहां पर 35 आ जाए तो 35 से ग्रेटेस्ट वैल्यूज यही रहेंगी और 35 से स्मॉलर वैल्यूज जो है वो लेफ्ट साइड में। इसीलिए हमने सक्सेसर नोड को फाइंड आउट करा है। तो हमें क्या करना है, हमें 35 को यहां से डिलीट करना है और इस 35 को हमें 33 को डिलीट करके यहां पर 35 को इंसर्ट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फिर 35 को डिलीट करेंगे। तो हमें पता है कि इसका लेफ्ट चाइल्ड तो नहीं है, तभी तो ये सक्सेसर है, क्योंकि इसका लेफ्ट ऑफ पीटीआर जो है वो नल है। हो सकता है कि इसका कोई राइट चाइल्ड हो, यहां पर इसका कोई एक राइट चाइल्ड हो। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले 35 को डिलीट करना है। तो या तो 35 का कोई भी चाइल्ड नहीं होगा, या तो कुछ भी नहीं होगा, या फिर सिर्फ और सिर्फ 35 का एक ही चाइल्ड होगा यानी राइट चाइल्ड। तो यहां पे कोई भी वैल्यू हो सकती है, लाइक 37, 35 से बड़ी वैल्यू। तो अब हमें 35 को डिलीट करना है, यानी वो केस जहां पर किसी भी नोड का या तो जीरो चाइल्ड है या फिर वन चाइल्ड है। तो ये केस हमने कवर किया था अपनी प्रीवियस वीडियो में, जिसका नेम है केस ए। तो हमने केस ए एल्गोरिदम को कॉल करा और हमने उसे कौन कौन से पैरामीटर्स दिए, ट्री के इंफॉर्मेशन, लेफ्ट चाइल्ड, राइट चाइल्ड, रूट नोड, और हमने उस एल्गोरिदम में यहां पर क्या पास किया था, दैट इज लोकेशन, जिस लोकेशन को हमने डिलीट करना है। तो यहां पर हमें किसे डिलीट करना है, सक्सेसर को डिलीट करना है। तो हमने लोकेशन की जगह यहां पर क्या लिख दिया, सक्सेसर, और हमने उस लोकेशन का पेरेंट पास किया था जब हमने उस एल्गोरिदम को कॉल करा था। तो हमने लोकेशन और उसका पेरेंट, तो यहां पर लोकेशन का नाम क्या है जिसे हमें डिलीट करना है, दैट इज सक्सेसर, और पेरेंट का क्या नाम है, पास्ट सक्सेसर यानी पेरेंट ऑफ सक्सेसर। तो अब हमने केस ए वाले एल्गोरिदम को कॉल किया, उसे ये वैल्यूज हमने सेंड कर दी, सक्सेसर और पेरेंट ऑफ सक्सेसर। तो केस ए क्या करेगा, इस 35 को अब यहां से डिलीट कर देगा। तो सक्सेसर इज इक्वल टू लोकेशन इज इक्वल टू 35, इसे यहां से डिलीट कर देगा। और अगर इसका कोई चाइल्ड था 37, वो इसका चाइल्ड बन जाएगा। और अगर उसका कोई चाइल्ड नहीं था सक्सेसर का, तो यहां पे कुछ भी नहीं आएगा। तो सबसे पहले हमने सक्सेसर फाइंड आउट किया, फिर हमने उस सक्सेसर नोड को डिलीट करा विद द हेल्प ऑफ केस ए। अब मेरे पास ये सक्सेसर नोड डिलीट हो गई है, दैट इज 35। अब मुझे क्या करना है, इस 33 को यहां से डिलीट करना है और यहां पर अब क्या लिखना है, दैट इज 35। अब हमने चेक करा कि जिस नोड को हमें डिलीट करना है, क्या उसका जो पेरेंट है, जो हमें इनिशियली में गिवन था लॉक और पेरेंट, क्या पेरेंट नल तो नहीं है। अगर पेरेंट नल होता, अगेन पेरेंट सिर्फ और सिर्फ रूट नोड का नल होता, अगर पेरेंट नल होता दैट मीन्स हम किसे डिलीट कर रहे हैं, रूट नोड को। लेकिन जो हमारी लोकेशन है उसका पेरेंट जो है वो नल नहीं है। तो इफ पेरेंट इज नॉट इक्वल टू नल तो क्या करें, अगर लोकेशन अपने लेफ्ट ऑफ पेरेंट पर है, अब ये हमारी लोकेशन है, ये किस साइड पर है अपने पेरेंट के, लेफ्ट साइड पर है, तो लेफ्ट ऑफ पेरेंट में आ जाए सक्सेसर, तो लेफ्ट ऑफ पेरेंट में आ जाए यानी 35। अगर ये पेरेंट राइट अगर ये लोकेशन पेरेंट के राइट साइड पर होती, अगर हमें इसे डिलीट करना था तो यहां पर 35 आ जाता। तो जो भी लोकेशन है अगर वो अपने पेरेंट के लेफ्ट साइड पर है तो लेफ्ट ऑफ पेरेंट में सक्सेसर आ जाए, अगर वो अपने पेरेंट के राइट साइड पर है तो राइट ऑफ पेरेंट में सक्सेसर आ जाए। तो सक्सेसर को हम उसके पेरेंट के उसी साइड में इंसर्ट कर देंगे। तो यहां पर आ गया 35। अब ये लेंस किसका है, इसका, कि अगर पेरेंट ही नल है, पेरेंट नल होने का एक ही मतलब है, सिर्फ और सिर्फ हमारे पास एक ही नोड है, दैट इज रूट नोड। तो रूट में क्या आ जाए हमारे पास 60 डिलीट हो जाए, और रूट नोड में क्या आ जाए हमारे पास 35 यानी
सक्सेसर नोड, दैट इज द ओनली नोड। अब अगर लेफ्ट ऑफ सक्सेसर जो है, अब लेफ्ट ऑफ सक्सेसर, सक्सेसर क्या है हमारा 35, लेफ्ट ऑफ सक्सेसर में क्या आ जाएगा, जो भी यहां पर पहले वैल्यू थी, यानी यहां पे क्या था 33 था, लोकेशन थी, अब सक्सेसर का लेफ्ट चाइल्ड क्या बन जाएगा, लेफ्ट ऑफ सक्सेसर में क्या आ जाएगा, जो भी लोकेशन का लेफ्ट चाइल्ड था, लोकेशन का लेफ्ट चाइल्ड क्या है 15, वो किसका लेफ्ट चाइल्ड बन जाएगा, सक्सेसर का लेफ्ट चाइल्ड बन जाएगा। और उसी तरह जो भी लोकेशन का राइट था वो किसमें आ जाएगा, सक्सेसर के राइट साइड में। तो जो भी सक्सेसर था उसके लेफ्ट साइड में क्या आ जाए, लोकेशन का लेफ्ट चाइल्ड, तो लेफ्ट ऑफ सक्सेसर में आ जाए लेफ्ट ऑफ लोकेशन, और राइट ऑफ सक्सेसर में 35 के राइट में क्या आ जाए, राइट ऑफ लोकेशन। तो अब हमने यहां से 33 को डिलीट किया, 35 को यहां इंसर्ट किया, और जो 33 के दोनों चाइल्ड थे उन्हें किसके साथ अटैच किया, सक्सेसर के साथ। So this is the algorithm for deletion in a binary search tree when a node has two children. Thank you.